श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। इस चैनल का उद्देश्य क्या है? इस चैनल का उद्देश्य है, जो एक भ्रांति बनी हुई है माँ भगवती देवी काली और भैरव बाबा के नाम पर कि तांत्रिक और तंत्र की देवी हैं और देवता हैं, उसको मिटा करके हर घर में इनके नाम का अलग जगाना। आज मैं आपको माँ भगवती देवी काली का पूजन विधि बताऊंगा। एक बार मैंने महाकाल का पूजन विधि बताया था, आज मैं आपको माँ देवी भगवती देवी काली का पूजन विधि बताऊंगा। जनरली जब भी आप इस पूजन विधि को कहीं भी पाइएगा, उसमें एक त्रुटि रहती है, उस त्रुटि का भी मैं आपको उल्लेख करूंगा और आपको क्लियर कट बताऊंगा कि कहाँ पे त्रुटि है। ठीक है, कोई भी जो तंत्र का विषय है, वो चाहे तो महादेव ने माँ भगवती देवी पार्वती को बताया या भैरव बाबा ने भैरवी को बताया, ठीक है। तो आज जो पूजा, मतलब माँ भगवती देवी काली जो कि दश विद्या की रानी है, उनका जो पूजन विधि है और उनका जो मंत्र है 22 अक्षर का, वो महादेव ने माँ भगवती देवी पार्वती को बताया था और साथ में बताया था कि इनकी पूजा कैसे करते हैं। ठीक है, तो कैलाश के शिखर पर दोनों बैठ करके बात कर रहे थे, तो माँ भगवती देवी ने पूछा कि जो काली महाविद्या है, कालिका, कालिका मतलब तारा भी होती है, कालिका मतलब माँ भगवती देवी काली भी होती हैं, तो कालिका को ब्रह्म स्वरूप मान के अगर हम पूजा करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या विधान है, ये महादेव जी से उन्होंने पूछा। महादेव जी ने माँ भगवती देवी काली को 3 नाम से पुकारा। किस किस नाम से पुकारा? महामाया, महायोगेश्वरी, पर ब्रह्म स्वरूपा। ठीक है, उन्होंने बताया इनकी जो, इनका जो 22 अक्षर का मंत्र है, वो 22 अक्षर का मंत्र सबसे उत्तम मंत्र है और इस मंत्र की ये खासियत है कि इस मंत्र को सिर्फ, मतलब आप अगर कोई और मंत्र कर रहे हैं तो उसको सिद्ध करने की का जरूरत है, साध्य करने का, सुसिद्धि करने का, अलग अलग तरीके का चक्र होता है जिससे आप गुजरते हैं एक मंत्र को साधने के लिए, लेकिन इस मंत्र को आप सिर्फ स्मरण कर लेंगे तो उतना ही काफ़ी होता है। मतलब महादेव का कहना है, क्योंकि ईश्वर उवाच है, तो 22 अक्षरी काली का मंत्र जो होता है वो सिद्ध मंत्र है और इसको पूजन विधि के हिसाब से आप करके और सिर्फ अगर एक माला रोज जाप करते हैं तो आपको भगवती की कृपा आने लगेगी। मंत्र को अंत में बताऊंगा, पहले आप पूजन विधि समझ लें, माँ की जो पूजन विधि है वो कैसे है। तो सबसे पहले जो है, जो कर्ण्यास होता है ना, ध्यान करेंगे, ऋषि रूप में ऋषि भैरव, छंद उष्णक, देवता दक्षिण कालिका, बीज होगा लज्जा बीज, शक्ति मतलब होम बीज, विद्या सरस्वती का बीज और विनियोग। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे, ओम क्राम हृदय नमः, ओम क्रीम सिरसे स्वाहा। ठीक है, और उसके बाद फिर माँ का ध्यान करेंगे। माँ का ध्यान कैसे करना, सबसे महत्वपूर्ण भाग जो मंत्र जाप में हम नहीं करते हैं, या फिर जो हमने आपको पहले भी बताया कि माला इसलिए नहीं प्रयोग करते हैं क्योंकि तब ईष्ट पर ध्यान नहीं होता है। तो हर ईष्ट के ध्यान का एक विधान है, जैसे जब काली का आप ध्यान करते हैं तो उनका ध्यान हृदय में होता है। ठीक है, हृदय को आप ध्यान करते हैं, मन में सोचते हैं कि जो आपका हृदय है वो एक कमल के आकार का है, ठीक है, और वो उस कमल में बिल्कुल ही सागर बना हुआ है दूध का, और उसके बीच में एक रत्नों से बना द्वीप है। ठीक है, उस रत्नों से बना द्वीप के बीच में 4 दरवाजे लगे हुए हैं, ठीक है, और उसके चारों तरफ पारिजात के वृक्ष हैं, बीच में उसका एक कल्प वृक्ष है। ये सब आपको ध्यान करना है कि ऐसा है। ठीक है, जो उसका मूल स्थान है उसमें सोने का बना हुआ 4 चिंतामणि कमरे हैं। ठीक है, वहां पूरा सुगंध फैला हुआ है। जब उस द्वार से अंदर आप घुसे तो अंदर शमशान है। ठीक है,
और उस शमशान के मध्य में वही कल्प वृक्ष है जो आपने देखा था, ठीक है, वो उसका मूल स्थान है, ठीक है। वहाँ पे बहुत तरीके की मनियाँ फैली हुई हैं, ठीक है, चारों ओर शमशान है, शव है, मांस है, ठीक है, मुंड है, चिता के अंगारे यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं, हड्डियाँ हैं, सब बिखरी हुई हैं। और उस मनी पीठ के 10 दिशाओं में इच्छा, ज्ञान, क्रिया, कामनी, कामदायिनी, रति, रतिप्रिया और नंदा है। ये 8 शक्ति उसके 8ों तरफ जो है वो खड़ी हैं, ठीक है, ऐसा आपको सोचना है। और इन 8 नहीं, ये 9 शक्तियाँ हुई, और इन 9 शक्तियों के मस्तक पर महाप्रेत रूप में महादेव महाशिव जो है वो लेटे हुए हैं, और इसके ऊपर माँ भगवती देवी काली खड़ी हैं। किस रूप में माँ देवी भगवती काली हैं? तो चारों तरफ शिवाएं घूम रही हैं, ठीक है, और महादेव के हृदय पर माँ भगवती देवी काली ने अपना पैर रखा हुआ है। तो दाहिना पैर जो है महादेव के हृदय पर और बायां पैर महादेव के जांग पर रखा हुआ है, ठीक है। लंबे बाल हैं माँ के, दाहिने अंग जो है उसको ढक रखा है, 3 नेत्र हैं पूरे सूर्य के समान, ठीक है, मुख एकदम मुस्का रही है माँ, रक्त रंजित दांत हैं, माँ ने कान में 2 मृत नर शिशुओं के मुख मतलब कपाल का कुंडल बना के पहना है, चारों हाथ में बाएं हाथ नीचे के ओर में कटा हुआ नरमुंड है, ऊपर के हाथ में खड़ग है, दाएं हाथ का जो ऊपर वाला हाथ है वो अभय मुद्रा में और नीचे वाला जो हाथ है वो वर मुद्रा में रहता है, गले से लेकर के चरण कमल तक उनका मुंड माल है, ठीक है, 50 नरमुंडों का माल होता है। ये भी ध्यान में रखो, नरमुंड का जब आप माला खरीदते हो तो क्यों 50 और 108 अलग रहता है, 50 माँ भगवती वाला होता है और 108 वाला महादेव वाला होता है, ठीक है। तो ये माँ का स्वरूप रहेगा। माँ वस्त्र नहीं पहनती हैं, जो कमर के नीचे का भाग है वो भी नरमुंडों से बना हुआ एक कपड़ा रहता है जिससे कि माँ नीचे पहनती है, ठीक है। तो ये माँ का श्यामल वर्ण मुंडमाल के साथ है और इसका आपको ध्यान करना है, ठीक है। माँ शिव के ऊपर खड़ी होकर के नृत्य करती है, ठीक है, माँ के शब्द भी बहुत भयंकर होते हैं, हाँ, उनका स्वरूप अत्यंत मतलब स्थूल इंद्रियों से परे है, आप उसको देख सकते हो, आप समझ नहीं सकते हो, ठीक है। माँ के ध्यान मात्र से आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब सुनो, जब आपने ध्यान कर लिया तो माँ का पूजा कैसे करेंगे ये समझो। एक बार ध्यान कर लिया उसके बाद यंत्र का निर्माण शुरू करते हैं। यंत्र का निर्माण में क्या करना होता है, पहले एक अधोमुख जो है एक त्रिकोण बनाते हैं, ठीक है, उसको मध्य मानकर बाकी हम लोग बाकी का यंत्र बनाएंगे, तो उसको मध्य मानकर के फिर उसके ऊपर 4 और त्रिकोण बनाते हैं, तो टोटल 5 त्रिकोण हो जाते हैं, ठीक है। ये सब बराबर होंगे त्रिकोण, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा और सब एक के ऊपर एक होगा। आपको बहुत तरीके का काली यंत्र मिलता होगा, लेकिन अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यही काली मंत्र आप लोगों को यंत्र बनाना है। अच्छा, इसमें एक त्रुटि रहती है, पहले बता देता हूँ कि क्या क्या बनाया जाता है, उसके बाद बताता हूँ त्रुटि क्या होगा। तो इसके बाद इसके ऊपर एक गोलाकार बनाएंगे, फिर अष्टदल कमल बनाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर फिर एक गोलाकार बनाएंगे और बाहर में 4 द्वार बनाएंगे जैसे कि आपने हृदय में सोचा था। अब देखो, जनरल जो आपको काली यंत्र के बारे में बताया जाता है उसमें बताया जाता है कि बीच में एक शून्य दे देना है, एक बिंदु दे देना है, लेकिन बिंदु के दोनों तरफ जो चीज़ आपको नहीं बताई जाती और जिसके कारण काली साधना नहीं सफल होती है वो है बीज मंत्र, और बीज मंत्र है क्रिम। तो उस बिंदु के दोनों तरफ आप क्रिम बीज मंत्र लिखेंगे, ठीक है। अब इसको बना करके और आप इसको पूजा के स्थान पर आप इसको स्थापित कर दें, ठीक है। इसके बाद जो पंच पूजा होती है जो हर बार आपको बताया है वैसे आप इसकी पूजा करें, ठीक है। माँ को आपको जब भी इमेजिन करना है तो आपको इमेजिन करना है अपने हृदय कमल में जो आपने सोचा था, और सामने यंत्र का पूजा करते जाना है। अब देखो, अब जो ये
पांच त्रिकोण बनाए ना, इसका 15 कोना होता है, ठीक है? तो लिखो, इस 15 कोना में 15 रूप देवी का वास करता है। 15 जो कोना बनाया, तो पहला रूप होता है कली का, दूसरा कपालनी का, तीसरा कुल्ला, चौथा कुरुकुल्ला, पांचवा विरोधनी, फिर विप्रचिता, उमा, उमा प्रभा, दीप्ता, नीला, घना, बालका, मात्रा, मुद्रा। इन सभी देवियों का आप ध्यान करेंगे, ये सब श्याम वर्ण में है, काली का रूप है। सबके दाहिने हाथ में तलवार, बाएं हाथ में तर्जनी रहती है। तर्जनी का मतलब वो ताड़न के लिए रखती हैं, ठीक है? गले में मुंडमाल पहनती है और हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। जब ये 15 कोनों का आप लोग पूजा कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको अष्टमातृका की पूजा करनी होगी। अष्टमातृका में कौन आती है? ब्रह्मानी, इंद्रानी, महेश्वरी, चामुंडा, कौमारी, अपराजिता, वाराही और नारसिंगी। इनको याद करके, इनको स्मरण करके, और फिर पांचों जो पांच प्रकार से पूजा का विधि आपको बताया है, उन पांचों चीज़ों से इनका पूजा करिएगा। उसके बाद अपने बाएं साइड अर्घी स्थापित करिएगा और फिर नवेद सब चढ़ा करके और माँ का मंत्र का जाप कीजिएगा। अब आते हैं कि माँ का मंत्र कौन सा है। जो 22 अक्षर का मंत्र महादेव जी ने बताया, जो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, इसका जाप करना है आप लोगों को। मंत्र है क्रिम क्रिम क्रिम, हुम हुम, ह्रिम ह्रिम, दक्षिणे कालिके, क्रिम क्रिम क्रिम, हुम हुम, ह्रिम ह्रिम स्वाहा। फिर से सुनिए, क्रिम क्रिम क्रिम, हुम हुम, ह्रिम ह्रिम, दक्षिणे कालिके, क्रिम क्रिम क्रिम, हुम हुम, ह्रिम ह्रिम स्वाहा। फिर से सुनिए अंतिम बार, क्रिम क्रिम क्रिम, हुम हुम, ह्रिम ह्रिम, दक्षिणे कालिके, क्रिम क्रिम क्रिम, हुम हुम, ह्रिम ह्रिम स्वाहा। ठीक है, तो इसमें दो कुर्च बीज हैं, मतलब हुम, उसके बाद लज्जा बीज है ह्रिम, उसके बाद माँ भगवती का नाम है दक्षिण कालिके दो बार, और उसके बाद अंत में स्वाहा है, ठीक है ना? तो इस मंत्र का आप इसके बाद 108 बार जाप करेंगे, और अंत में जो मैंने बताया था, जब साप विमोचन नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, वो जो अपना मंत्र है, गुह्य गुह्य गुप्तम गृहणम स्मम कृतम जपम सिद्धिर भवतु मे देवी तत्प्रसादे महेश्वरी, ऐसा बोल करके आप माँ भगवती को अपना जाप देंगे और फिर माँ से जाप ले लेंगे। देखो, इस पूरे पूजा विधान में जो मैंने भगवती की पूजा का विधान आप लोग को बता रखा है, मतलब दीप जलाने का मंत्र, हाँ, विसर्जन का मंत्र, और कैसे दीप दिखाते हैं, नवेद चढ़ाते हैं, धूप दिखाते हैं, है ना, क्या किस तरह से वस्त्र का निवेदन करता है, वो सब जैसे पहले बताया वैसा ही करें। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कुछ अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिसको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, नंबर है 9431188585। इसके अलावा डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप पर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। उसको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, इसमें रुद्रनाथ @CM4 सर्च कीजिए तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए मेरा वेबसाइट है www.aghor.com/xyz, उस पर जाइए, अपार्टमेंट सेक्शन है। बहुत इमरजेंसी हो तो व्हाट्सएप पर कॉल और मैसेज कीजिएगा, अनर्गल कीजिएगा तो मैं आपको ब्लॉक करूँगा। आप सभी को आदेश आता है, जला आदेश।